कि नसी मेहनत का चुनाव जिताओगे, नसी मेहनत का चुनाव जिताएंगे, नसी मेहनत, नसी मेहनत, नसी मेहनत, नसी मेहनत। चलो मैं पहले सलाम अलैकुम साहब, सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम भाइयों, चौधरी नसीम अहमद एक ऐसा परिवार, एक ऐसा व्यक्ति जिनके पिता ने भी समाज की सेवा की और उसका बेटा भी उसी पद चिन्ह पर चला, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ईमानदारी से और विनम्रता से समाज की सेवा करने का काम किया, एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज को छोटे से छोटे गरीब आदमी को भी सम्मान दिया और बड़े से बड़े बुजुर्ग को भी पैर छू किया, प्रणाम किया कि उसको नमस्कार किया, ऐसा व्यक्ति। और एक तरफ ऐसा आदमी जो कहता है कि जिसके यहां मुझे सुनना ही क्यों पड़ता है, लोगों को धमकी देता है, लोगों से गुंडागर्दी करता है, माफियाओं को साथ रखता है और जो पैसा दे देता है उसका काम करता है, उसकी कोई जात बरादरी नहीं है, उसकी जात बरादरी सिर्फ पैसा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। ये कांग्रेस का जो एमएलए है इसकी कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, उसकी एक ही जात और एक ही धर्म है, पैसा दो और काम कराओ। और आज उसने 5 साल के अंदर इस फिरोजपुर जिले का विधानसभा में एमएलए रहते हैं कोई काम नहीं करवाया। मैं आपको बता सकता हूं कि मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी मुख्यमंत्री थे तो भाई चौधरी नसीम अहमद ने ऐसा कोई फिरोजपुर जिले का विधानसभा के कोई गांव नहीं रहा जिसमें लाखों रुपए के करोड़ों रुपए के काम नहीं करवाए। ये जो बड़ा सारा आप फिरोजपुर जिले का की जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे देख रहे हो, मैं दिल्ली में सांसद था, मैंने इस भाई को देखा है कि ये यहाँ पूरे मेवात के लिए और फिरोजपुर जनता के लिए हरियाणा से लेकर दिल्ली तक इसने हमेशा आपके हक की लड़ाई लड़ी है। आज लेकिन उसके हक की लड़ाई लड़ने की बारी आई है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप चौधरी नसीम अहमद के हक की लड़ाई नसीम अहमद बन के लड़ोगे, लड़ोगे क्या नसीम अहमद बनोगे, बनोगे चुनाव लड़ोगे, भूखे पैसे रखे में लड़ोगे? और कांग्रेस के लोग आएंगे और भड़काएंगे कि ये चुनाव तो धर्म के नाम पे भी भड़काने की कोशिश करेंगे। अरे धर्म के नाम पे कुछ भी हो, आपको धर्म देखना है तो नसीम अहमद का धर्म देख लेना है, जात देखनी है तो नसीम अहमद की देख लेना, जो देखना है तो नसीम अहमद का देख लेना और अपने दिल पर हाथ रखना कि नसीम अहमद आपके धर्म का, आपके गोत का, आपके दिल का, आपके अपनों का, अपना बेटा और अपना रिश्तेदार नसीम अहमद आपके दिल के करीब लगता हो तो नसीम अहमद को जिता के विधानसभा में भेज देना, और अगर वो कांग्रेस का गुंडा मवाली लगता हो तो अपने घर पे बैठ जाना, उसकी झूठी बातों में आ जाना। और मैं एक वादा करके जा रहा हूँ, अभी जो एमएलए साहब कह रहे थे कि राजस्थान इसमें हरियाणा के विधानसभा में विधायक बना के भेज दोगे, तो मैं आपको कह के जा रहा हूँ आप विधायक बना देना, विधायक से ऊपर की कुर्सी दिलाने का काम हमारा है, हम आपको कुर्सी दिला के देंगे। मेरे भाइयों, क्या मुझे दोनों हाथ ऊंचे करके वादा कर सकते हो कि नसीब मेहनत को चुनाव जिताओगे, नसीब मेहनत को चुनाव जिताएंगे, तो मेरे साथ नसीब मेहनत जिंदाबाद बोलोगे तो पूरे हरियाणा चंडीगढ़ तक आवाज पहुंचना चाहिए, नसीब मेहनत, नसीब मेहनत, नसीब मेहनत, नसीब मेहनत। जय हिंद, जय भारत।